हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन के जब मैंने इस चीज़ को रीड किया था, आई वॉज एब्सोल्युटली शॉक्ड। बट मेरे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं था, सो फाइनली आई हैव कलेक्टेड माई एविडेंस एंड आई हैव कम विद अ वीडियो अबाउट। सो गाइस, क्या जानते हैं कि जो सैनिटरी नैपकिन बनाने वाली कंपनीज होती हैं, दे डू नॉट डिस्क्लोज द इंग्रेडिएंट व्हिच हैव बीन यूज्ड फॉर मेकिंग द सैनिटरी नैपकिन। उनको जरूरत नहीं होती है मेंशन करने की। आई वाजंट अवेयर अबाउट दिस जब तक कि मैंने इस आर्टिकल को नहीं पढ़ा। आर्टिकल ऑल्दो पहले मैंने बहुत टाइम पहले पढ़ लिया था, बट जैसे मैंने आपको बताया, आई डिड नॉट हैव द एविडेंस, तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी। एविडेंस क्यों नहीं था मेरे पास, क्योंकि मैं मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करती हूँ। आई डिड नॉट हैव दोज रैपर्स और सैनिटरी नैपकिन। सो फाइनली मैंने इधर उधर से अरेंज किया एंड आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, एंड आई फेल्ट कि हाँ, इसमें इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं है। क्या आपको डिटेल पता है व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर एक्चुअली यूज्ड? एक बहुत ही रिनाउंड वेबसाइट में इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। प्रोडक्ट होता है सैनिटरी नैपकिन, इट इज़ अ मेडिकल प्रोडक्ट। बिकॉज ऑफ दैट दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम मेंशनिंग द इंग्रेडिएंट्स व्हिच आर यूज्ड इन सैनिटरी नैपकिन। पर सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज होते हैं व्हिच कैन कॉज कैंसर, एंड क्या क्या उसमें चीज़ यूज होती है सैनिटरी नैपकिन बनाने के लिए, लेट मी टेल यू। सैनिटरी नैपकिन होता है, उसमें 5 लेयर्स होती हैं: द स्टॉक कवर, एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, एब्जॉर्बेंट कोट, बैक शीट, सिलिकन लाइन्स पेपर। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एज सच इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है। इंडिविजुअल लोगों ने रिसर्च किया है, एनजीओज ने रिसर्च किया है, एंड दे हैव फाउंड द 1980 से एज सच कुछ भी इसके ऊपर अपडेशन नहीं हुई है कि क्या प्रोडक्ट में बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें यूज़ की जा रही हैं। एक पेपर रिलीज़ किया गया था बाई IIT हैदराबाद इन 2016 दैट एब्जॉर्बेंट कोट बनाने के लिए डायऑक्सिन यूज़ किया जाता है, और डायऑक्सिन के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। उसकी वजह से पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज हो सकते हैं, ओवेरियन कैंसर हो सकता है, इम्यून सिस्टम डैमेज हो सकता है, फर्टिलिटी एंड डायबिटीज़ भी हो सकता है। हो सकता है, होगा, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, बट देर आर पॉसिबिलिटी फॉर दैट। नॉट ओनली दिस गाइज, लेकिन आपने मैंशन सुना होगा आजकल एड्स में आता रहता है, इट विल नॉट स्टिंग, इट विल हैव फ्रेग्रेंस। सो फिर जो नए नए एड्स आते हैं उसमें देखेंगे, वो बताएंगे वाह, फ्लावर्स निकल रहे हैं, द स्मेल इज कमिंग। और अगर इस चीज़ को आप बिलीव नहीं कर रहे हैं कि देर इज़ अ केमिकल यूज इन दिस फॉर मेकिंग दिस, तो फ्रेग्रेंस तो यूज़ की जा रही है, फ्रेग्रेंस इज नॉट गुड फॉर प्राइवेट पार्ट। इसके ऊपर पूरा आर्टिकल है, आर्टिकल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, यू कैन गो थ्रू दिस आर्टिकल। US में ऑल्दो जो टैम्पोन्स होते हैं उसमें डायऑक्सिन यूज़ किया जाता था बनाने के लिए, तो उस चीज़ को बैन किया गया, बट इंडिया में एज सच इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है बाई एनी ऑर्गेनाइजेशन। ओनली NGOs एंड इंडिविजुअल्स हैव डन दैट, और मैक्सिमम पॉपुलेशन ऑफ आर कंट्री और across the globe they use sanitary napkin or tampons, right? इसकी जगह आप menstrual cup या फिर cloth pads use कर सकते हैं। लेकिन guys, अब बहुत से लोग बोलेंगे because she posts menstrual cup videos, that's why she is posting this video. Guys, मेरे पास एक logic है इस चीज़ का। अगर हम normal एक बात कहें तो guys, जब हम बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम doctor के पास जाते हैं, हम medicine लेते हैं। Not everyone, but maximum जो लोग होते हैं वो तो ये करते हैं ना, दे विल गो टू डॉक्टर एंड दे विल टेक द मेडिसिन। और मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस सिट्रजिन सबसे ज़्यादा कॉमन मेडिसिन है जो कोल्ड कफ में ली जाती है, मोस्ट ऑफ द पीपल टेक इट। उसको खाने के बाद क्या होता है, वी फील ड्राउजी, वी फील स्लीपी। तो उसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन इज ऑल्सो मेडिकल प्रोडक्ट। उसको खाने के उसको यूज़ करने के बाद भी देर कुड बी पॉसिबल चांसेस ऑफ सम काइंड ऑफ साइड इफेक्ट, तो उस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम लाइक स्पेशली पोस्ट पार्ट कैन नॉट यूज मेंस्ट्रुअल कप, ऑल्दो क्लोथ पैड यूज़ कर सकते हो, बट बहुत से लोगों की कंडीशन ऐसी होती है कि दे कैन नॉट वॉश इट अगेन एंड अगेन, दैट्स वाई वॉट डू दे डू इज दे यूज सैनिटरी नैपकिन कुछ टाइम पर। देर इज वी डोंट हैव चॉइसेस, देन वी हैव टू यूज़ दोज थिंग्स जो हमारी लाइफ को आसान करने के लिए बनाई गई हैं। बट रेगुलरली अगर आप किसी ऐसी चीज़ को यूज़ करें, रेगुलरली आप मेडिसिन कंज्यूम करें, एकदम से मेडिसिन कंज्यूम कर ले रहे हैं, तो वो तो हमारी हेल्थ के लिए ख़राब है ना। सो वॉट यू कैन डू, एटलीस्ट रेगुलर चीज को जो आप यूज़ करने वाले हैं, यू कैन अवॉइड दोज थिंग्स जो आपकी बॉडी में किसी तरह का टॉक्सिन क्रिएट कर सकती हैं। सो गाइस, दिस वॉज जस्ट एन अवेयरनेस वीडियो। अगर इस चीज़ के बारे में आपको ऑलरेडी पता था तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसी तरह के अवेयरनेस वाली वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड आई हैव गिवन यू अ सॉल्यूशन ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट आई विल प्रोवाइड यू फ्री मेंस्ट्रुअल कप एज वेल। Go and check out that videos link in description box. और plastic free menstruation के लिए आप मेरी videos check कर सकते हैं, उनके link भी description box में mention है। So guys, I'll catch you next time with some other awareness story. Till then, you take care of yourself. Bye bye.